हेलो एस्पिरेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन के बारे में। इनके टाइम पीरियड की बात करें तो 606 से 647 एडी तक का इनका टाइम पीरियड था। प्लस ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि पहली बात तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। एंड वर्धन डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर हर्षवर्धन ही माने जाते हैं। तो वर्धन डायनेस्टी में हम एक सिंगल रूलर के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, और वो है हर्षवर्धन। थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहूँगी आपको वर्धन डायनेस्टी के बारे में। वैसे तो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, बट आपको फिर से हल्का सा बता देती हूँ। इसके फाउंडर थे पुष्यमित्रा, ठीक है। कैपिटल थी इनकी थानेश्वर। उसके बाद हमने पढ़ा कि हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, राज्यश्री की स्टोरी। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं पढ़ी है, आज का वीडियो आपको यहाँ जैसे समझ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो प्रीवियस जहाँ से हमने छोड़ी थी स्टोरी, वहीं से आगे स्टार्ट होता है। फिर भी मैं आपको हल्का हल्का बताती चलूंगी। तो सबसे पहले तो अपना पेपर पेन उठाएं और वीडियो के साथ साथ में ही अपने नोट्स मेंटेन करना स्टार्ट करें। फर्स्ट पॉइंट आता है राज्यवर्धन। राज्यवर्धन कौन थे? हर्षवर्धन के बड़े भाई, ठीक है। तो राज्यवर्धन ट्रीचरसली मर्डर्ड बाय शशांक। शशांक कौन था? नॉर्थ वेस्टर्न बंगाल का रूलर। तो शशांक ने क्या किया, इन्होंने धोखे से मर्डर कर दिया राज्यवर्धन का, ठीक है। राज्यवर्धन मैंने आपको बता दिया, ही वॉज द ब्रदर ऑफ हर्षवर्धन, ठीक है। अब राज्यश्री, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, राज्यश्री तीनों भाई बहन थे। राज्यश्री, अब इनके साथ क्या हुआ उसके लिए तो देखिए आपको प्रीवियस वीडियो में ही जाना पड़ेगा। इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, ठीक है। राज्यवर्धन उसका बदला लेने गए थे और वापसी में शशांक ने इन्हें मार दिया था। नाउ राज्यश्री ने इस टाइम पे क्या किया, शी एस्केप्ड इनटू द फॉरेस्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। मध्य भारत के जो जंगल थे वहां पर ये चली गई थी, छुप गई थी, भाग गई थी, ठीक है। उसके बाद आता है, अब राज्यवर्धन की डेथ हो गई, राज्यश्री जंगलों में चली गई, तो अब एक ही बचते हैं हर्षवर्धन। अब इन पे आ गई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। सो हर्षा ऑक्यूपाइड थ्रोन एट थानेश्वर। अब क्योंकि इनके भाई की डेथ हो गई, वर्धन डायनेस्टी का कोई रूलर नहीं रहा, इसलिए हर्ष जो है अब ये रूलर बने थानेश्वर में। इन्होंने अपना जो सिंहासन था वो संभाला। नाउ हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनके पहले काम क्या थे जो शुरू में करने थे इन्होंने, फर्स्ट था टू रेस्क्यू हिज सिस्टर विंध्यान फॉरेस्ट, अपनी बहन को बचाना जो कि विंध्यान के जंगलों में चले गए थे, ठीक है। वेयर शी वॉज गोइंग टू थ्रो हर सेल्फ इन टू द फायर, वहाँ पर जाकर वो मतलब खुद को जलाने वाली थी, क्योंकि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई और उसकी वजह से फिर जब बदला लेने उनका भाई गया तो उनके भाई की डेथ हो गई, तो बहुत दुखी थी वो। तो इस टाइम पर उन्होंने क्या किया, वो अपनी जान लेना चाहती थी। तो हर्षवर्धन का शासक बनकर पहला काम था अपनी बहन को बचाना, ठीक है। एंड सेकेंड काम था टू अवेंज द किलिंग्स ऑफ हिज ब्रदर एंड ब्रदर इन लॉ। उनके जो एक तरह से जीजा जी कह लीजिए और भाई कह लीजिए, इन दोनों की मौत का बदला लेना, ये दो काम थे इनके सामने, ठीक है। तो इन्होंने थ्रोन यानी इन्होंने सिंहासन कब संभाला, 606 एडी में। बस इसी टाइम से हर्ष ईरा स्टार्ट हो जाता है, ऑल्सो कॉल्ड शिलादित्य। सिंहासन पर बैठने से पहले इन्हें शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। चलिए ये हल्की सी स्टोरी हो गई हर्षवर्धन कैसे पहुंचे, अब उन्होंने क्या क्या करना है। अब हम पढ़ेंगे हर्षाज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, उनका एक्सटेंट, सब कुछ मिले में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो बस वीडियो को एंड तक देखते रहें, नोट्स बनाते रहें, आपके इतने अच्छे नोट्स वर्धन डायनेस्टी के बन जाएंगे, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लस आप मेरी पूरी वीडियोस देखेंगे ना दोनों, तो आपको कहानी वैसे टिप्स पे याद हो जाएगी। आपने बस तीन लोग याद रखने हैं, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, राज्यश्री, बस। बाकी जो शशांक है, जो भी है, देवा गुप्ता है, वो आपको खुद ही धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है। नाउ हर्षाज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट हम पढ़ेंगे। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। हर्षाज के जो भी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट थे, जो भी विजय उन्होंने हासिल की, उस सबके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला काम तो बदला लेना ही था, ठीक है। सो फर्स्ट एक्सपीडिशन, पहला अभियान में उन्होंने क्या किया, ड्रोव आउट शशांका फ्रॉम कन्नौज। कन्नौज किसकी कैपिटल थी? ग्रहावर्मन की। ग्रहावर्मन कौन था? राज्यश्री के हस्बैंड। तो जब ग्रहावर्मन को मारा शशांक और देवगुप्त ने, इन्होंने जो है कैपिटल पे कब्जा कर लिया। अब जब इन्होंने कब्जा कर लिया तो उसके बाद राज्यवर्धन गए वहाँ पर, उन्होंने देवगुप्त को मार दिया, वापस आ गए, शशांक ने उन्हें मरवा दिया, शशांक ने कन्नौज को हासिल कर लिया। इस टाइम पर क्या होता है, पहले एक्सपीडिशन में हर्षवर्धन ने उनको वहाँ से बाहर निकाला, ठीक है। एंड ऑक्यूपाइड कन्नौज आफ्टर किलिंग राज्यवर्धन। अब शशांक ने क्या किया था, इन्होंने कन्नौज कैसे हासिल किया, राज्यवर्धन को मार के, क्योंकि राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार के उसे अपने अंडर कर लिया था। देखिए ये वाली जो स्टोरी है ना, आपको प्रीवियस वीडियो देखनी ही पड़ेगी, वहाँ मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यहाँ मैं आपको रफ सा बता रही हूँ, क्योंकि अगर वो चीज़ हम यहाँ एक्सप्लेन करने लग गए तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। नाउ हर्षवर्धन की न्यू कैपिटल बन गई कन्नौज, एंड इट मेड हिम मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। इसी के साथ उत्तरी भारत के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजा बन गए हर्षवर्धन।
देन ईस्ट की तरफ चले। अब उन्होंने शशांक को सिर्फ बाहर निकाला है कन्नौज से, मारा नहीं है, देवागुप्त तो मर चुके हैं, अब शशांक को मारना उनका काम था हर्षवर्धन का। तो वो ईस्ट की तरफ चले विद अ व्यू टू एवेंज, बदला लेने की फॉर्म में, बट नॉट सक्सेसफुल इन इट। पहला एक्सपेडिशन जो उनका था, पहला अभियान जो उनका था, उसमें वो सक्सेसफुल नहीं रहे अगेंस्ट शशांक, शशांक के अगेंस्ट जा रहे थे वो बंगाल साइड, बट वो सक्सेसफुल नहीं रहे। फिर वो सेकंड एक्सपेडिशन लेकर जाते हैं टूवर्ड्स द क्लोज ऑफ हिज रियान, जिस टाइम उनका शासनकाल ख़त्म ही होने वाला होता है उस टाइम पे वो दूसरी बार जाते हैं। उस टाइम तक क्या हो चुका होता है, डेथ हो चुकी है शशांक की 637 AD में, यानी हर्षवर्धन की डेथ से 10 साल पहले शशांक की डेथ हो चुकी थी। तो उस टाइम पे वो सेकंड एक्सपेडिशन लेकर गए, वहाँ पे ही कॉन्कर्ड मगध एंड शशांकाज एम्पायर, जो मगध था और जो शशांक का एम्पायर था नॉर्थ वेस्टर्न बंगाल गॉड माने, तो वो सारा का सारा उन्होंने अपने अंडर कैप्चर कर लिया, उस पर विजय हासिल कर ली। ठीक है, चलिए, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, देखिए मैं अपने चैनल पे डेली करंट अफेयर्स भी अपलोड करती हूँ, तो अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, एंड चैनल पे जाकर ना आप देख सकते हैं वीडियोस। तो मैं डेली 10 से 15 पॉइंट्स, समटाइम्स 18 पॉइंट्स डिस्कस करती हूँ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। नॉर्मली क्या होता है, करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमें इधर उधर भटकना पड़ता है, कोई और वेबसाइट है, कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं, बट मैंने क्या किया है कि हर एक सोर्स से मैं डेटा कलेक्ट करती हूँ, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, इधर उधर भटकना ना पड़े। तो अगर आप मेरे सोर्स से पढ़ेंगे तो मैंने काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट जगह से करंट अफेयर्स कलेक्ट किए हैं, तो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, राइट। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट डिप्लोमेटिक अचीवमेंट्स ऑफ हर्षा, जो हर्षवर्धन है उसकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिप्लोमेटिक अचीवमेंट। डिप्लोमेटिक आप समझते हैं कि राजनीतिक लेवल पे किसी से लड़ाई नहीं करनी बट कुछ समझौता करके इस तरह से। तो देखिए, ही डिफीटेड ध्रुवसेना टू, जो ध्रुवसेना टू थे, द मैत्रका, यहाँ पे मैत्रका होगा, लेट मी करेक्ट इट, द मैत्रका रूलर ऑफ वल्लभी, ठीक है, इनको जो हर्षवर्धन थे ध्रुवसेन टू को उन्होंने हराया, बट टू सिक्योर द सेफ्टी ऑफ वेस्टर्न बाउंड्री। अब वेस्ट वल्लभी का है गुजरात में, गुजरात क्या बनाता था, उनके एम्पायर का वेस्टर्न बाउंड्री बनाता था, तो इन्होंने क्या किया, अब सेफ्टी को सिक्योर करने के लिए, सेफ्टी बनाए रखने के लिए वेस्टर्न बाउंड्री की उन्होंने जो पूरा का पूरा एम्पायर था वापस उनको कर दिया, प्लस अपनी बेटी की शादी करवा दी थी ध्रुवसेना टू से, इस तरह से मैट्रिमोनियल अलायंस हो गया, राइट। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट आता है हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री कैंपियन, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो हमने पढ़ा सबसे ज्यादा अच्छी डिप्लोमेटिक अचीवमेंट जो उनकी थी, मतलब महान जो उन्होंने काम किया, अपनी अपने पूरे के पूरे किंगडम को सेव किया। दूसरा आता है हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री कैंपियन, जो उनका अभियान था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो था अगेंस्ट द वेस्टर्न चालुक्य रूलर पुलाकेसिन टू, जो पुलाकेसिन टू थे, ठीक है, वेस्टर्न चालुक्य रूलर उनके अगेंस्ट था। अब ये जो पुलाकेसिन टू वाला है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब हम चालुक्य डायनेस्टी पढ़ेंगे वहां भी इनका जिक्र होगा, ठीक है। तो होता क्या है, पहली चीज तो ये जो अभियान था इसका जिक्र हमें ह्यून सांग के अकाउंट्स में मिलता है, जो भी उन्होंने अपने वैल्यूएबल अकाउंट्स यहाँ पे छोड़े उनसे पता चलता है कि हाँ ऐसा भी कुछ हुआ था, ठीक है। ही डिफीटेड हर्षा, कौन, पुलाकेसिन टू ने हर्षवर्धन को हराया ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर, ये क्वेश्चन बन सकता है। और जो ये हार थी, इट वॉज द ओनली डिफीट ऑफ हर्षाज विक्टोरियस लाइफ, हर्षवर्धन की जो विजयी जीवन था उसकी इकलौती हार थी पुलाकेसिन टू से नर्मदा नदी के तट पर, ह्यून सांग के अकाउंट से पता लगता है। अब होता क्या है, ये जो कैंपियन था कि हाँ वो पुलाकेसिन टू के अगेंस्ट गए, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है हमें चालुक्य रिकॉर्ड से भी मिलती है, ह्यून सांग के अकाउंट से तो मिलती है, पर जो चालुक्य रिकॉर्ड्स हैं उनसे भी मिलती है। उन्होंने डिस्क्राइब किया है हर्ष को, किसने, जो चालुक्य के रिकॉर्ड्स हैं उनसे हमें पता लगता है, उन्होंने हर्ष को, हर्षवर्धन को डिस्क्राइब किया है एज लॉर्ड ऑफ होल नॉर्दर्न इंडिया, पूरा का पूरा जो उत्तरी भारत के लॉर्ड उन्हें माना था, और उन्हें कहा जाता है सकल उत्तरा पथेश्वरा, ठीक है। चलिए, ये भी हो गया, हमने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक अचीवमेंट उनकी पढ़ी, उनकी इंपॉर्टेंट मिलिट्री कैंपेन पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे एक्सटेंट, एक्सटेंट मतलब समझते हैं कि कहां से कहां तक एरिया उनके अंडर था। तो होल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया अप्रोक्सीमेटली पूरा का पूरा नॉर्दर्न इंडिया है, राजस्थान का थोड़ा सा पार्ट यहां जैसे यहां पे आता है, बाकी पंजाब यूपी बिहार उड़ीसा आप देख सकते हैं। तो ये हर्षवर्धन का एम्पायर है, ठीक है, क्या उनका एक्सटेंट था यहाँ पे बताया है। अब देखिए, आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो पहली चीज़ तो लाइक ज़रूर करना, एंड सेकेंडली आप अगर चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पर जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड बिलीव मी, बहुत ही ज़्यादा
अफोर्डेबल रेट पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, राइट। देखिए वैसे मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग अपने नोट्स अपने आप बनाएं, बट इन केस आप कॉलेज में हैं, जॉब करें, कोई कोर्स करें, नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, तो उस केस में बेटर होगा कि आप नोट्स परचेज करें। उन्हीं नोट्स के थ्रू मैंने अपनी यूट्यूब वीडियोज पर पढ़ाया है, तो कहीं भी आपको डाउट होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, उस टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो देख सकते हैं एंड देन आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, राइट। तो चलिए सेकेंड पेज हुआ कंप्लीट, अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा पेशेंस बना के रखें। हर्षवर्धन के बारे में काफी कुछ है जानने के लिए, तो अभी हम आगे चलते हैं और आगे उनके बारे में जानते हैं, राइट। आई नो आप लंबी वीडियो से बोर हो जाते हैं, बट हर्षवर्धन को हम दो वीडियोस में कवर नहीं कर सकते थे, अदरवाइज कॉन्टिन्यूटी टूट जाती है, ठीक है। जैसे कि इस वीडियो की स्टार्टिंग में हुआ जो राज्यवर्धन, राजश्री और हर्षवर्धन की स्टोरी थी, उसकी कॉन्टिन्यूटी टूट गई, बट उस वीडियो को भी एक कंप्लीट वीडियो में उस कंटेंट को नहीं कवर किया जा सकता था। तो मेरी रिक्वेस्ट है, देखिए हर्षवर्धन की जो ये वर्धन डायनेस्टी है, इसकी दो ही वीडियोज हैं, ठीक है। दिस इज द सेकंड वीडियो, इससे पहले मैंने जो इसमें फाउंडर बताया है कौन है और इंट्रोडक्शन सोर्सेज ये सब कुछ बताया है, तो आप उस वीडियो को पहले देखिए एंड देन इसे, तो आपका बढ़िया जो है वो कॉन्टिन्यूटी बन जाएगी, आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आ भी जाएगा, राइट। एंड सेकेंडली नोट्स वीडियो के साथ साथ में बनाते रहें, होता क्या है ना, हम सोचते हैं नोट्स बनाएंगे बाद में, फिलहाल थोड़ा सा देख लेते हैं, और वो नोट्स बनाने का फिर हम इतने बिजी रहते हैं ना आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, हमें टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने का। बट आपको टाइम निकालना है, इन सब साइट्स को कीजिए अनइंस्टॉल, ठीक है, सब बेकार ऐप्स ही। अब अपने नोट्स बनाएं, अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, राइट। चलिए हर्षवर्धन एंड बुद्धिज्म का क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में पढ़ते हैं। नाउ अर्लियर डिवोटी ऑफ शिवा, शिव के भक्त थे पहले हर्षवर्धन, बट लेटर ही बिकेम एन आर्डेंट हिनायना बुद्धिस्ट, बाद में वो बिल्कुल कट्टर बुद्धिस्ट बन गए, बौद्ध बन गए, वो भी हिनायना। अब देखिए ये जो मैंने हिनायना बुद्धिस्ट वाला कंसेप्ट लिया है ना, ये मैंने तमिलनाडु हिस्ट्री बुक से लिया है, बट अगर और बुक्स में देखें तो वहां पे महायाना, महायाना मतलब होता क्या है, बुद्धिज्म के तीन सेक्ट्स हैं, हिनायना, महायाना एंड वज्रयाना, ठीक है। तो उसमें से तमिलनाडु हिस्ट्री बुक के हिसाब से ये हिनायना बुद्धिस्ट थे, तो वो सबसे ज्यादा सॉलिड बुक मानी जाती है कि हाँ वही सही है, बट जो और बुक्स हैं उनमें महायाना भी बताया है। तो अब आप अपने हिसाब से देखिए, फिर मुझे कमेंट्स आते हैं मैम ऐसा नहीं ऐसा था, तो देखिए हर बुक में अलग अलग है, अब आपने कौन से स्टैंडर्ड बुक को रेफर करना है। मैं तमिलनाडु हिस्ट्री बुक एंशियंट एंड मेडिवल के लिए बेस्ट मानी जाती है यूपीएससी के लिए, तो मैंने उसमें से नोट्स बनाया है, बाकी आपकी आगे अपनी चॉइस है, आप देख लीजिएगा। तो मेरी बुक के हिसाब से पहले वो शिवजी के भक्त थे, बाद में वो हिनायना बौद्ध बन गए कट्टर, और किसने कन्वर्ट करवाया उनको, ह्यून सॉन्ग कन्वर्टेड हिम। ह्यून सॉन्ग क्यों आए थे इंडिया, लैंड ऑफ द बुद्धा देखने के लिए, यहाँ पे जो भी पॉलिटिकल अफेयर्स हैं उससे उनको कोई मतलब नहीं था, उनको बस रिलीजियस अफेयर से मतलब था, ठीक है। तो ह्यून सॉन्ग ने कन्वर्ट करवाया उनको, इसे द लेसर व्हीकल भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ एनिमल फूड इन हिज किंगडम। फिर हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद क्या किया, जो जैसे नॉन वेज है वो बंद करवा दिया, एस्टेब्लिश थाउजेंड ऑफ स्तूपस, बहुत सारे स्तूपस बनाए, ये क्या होते हैं, रिमेन्स होते हैं, है ना। चलिए इसको भी छोड़िए, स्तूपस के बारे में हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे, आगे चलते हैं। ही मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद चाइना, चाइना के साथ भी इनके काफी डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ह्यून संघ के बारे में। तो देखिए वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, लाइक करने में कंजूसी मत करना, आप लोग बहुत कम लाइक करते हैं, ठीक है। चलिए ह्यून संघ के बारे में पढ़ते हैं। He visited India during Harshazian. ऐसा नहीं कि वो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आए थे, इससे पहले आ गए थे, बट उस टाइम पे हर्षवर्धन का टाइम पीरियड भी चल रहा था, ठीक है। He spent about 8 years in his empire. 8 साल उन्होंने कहाँ बिताए, हर्षवर्धन के एम्पायर में बिताए। जिस टाइम हर्षवर्धन रूल कर रहे थे उस टाइम वो यहाँ पे रहे। टाइम पीरियड 635 से 643 AD, ये तो आपको याद कर लो टाइम पीरियड, क्योंकि ये हर जगह आता है ह्यून सॉन्ग का जिक्र। He mentioned two most celebrated events of Harshazrian. हर्षवर्धन के शासन के दो सबसे ज्यादा important जो events थे उनके बारे में उन्होंने बताया है, कौन कौन से हैं, कन्नौज असेंबली एंड प्रयाग असेंबली। कुंभ मेला सुने, बस वैसा वैसा ही है कुछ, प्रयाग असेंबली एंड कन्नौज असेंबली क्या है, मीटिंग, ठीक है। कन्नौज असेंबली कब हुई, 643 AD में हुई, क्यों हुई, हेल्ड इन द ऑनर ऑफ ह्यून सॉन्ग, जो ह्यून सॉन्ग थे इनके ऑनर में हुई, टू पॉपुलराइज महायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। महायाना सेक्ट जो था बुद्धिज्म को, उसको पॉपुलराइज करने के लिए, ये भी मैंने तमिलनाडु हिस्ट्री बुक से लिखा है, तो अब यहाँ पे लगता है कि शायद ऊपर गलत होगा, क्योंकि मे बी उन्होंने महायाना सेक्ट अपनाया हो तभी वो महायाना सेक्ट को पॉपुलराइज करना चाहते हो, बट चलिए जो भी है। फिर उसके बाद जब मीटिंग खत्म हुई तो ह्यून सॉन्ग को काफी ज्यादा प्रेजेंट्स गिफ्ट किए गए, काफी गिफ्ट इनको मिले, मतलब इन शॉर्ट महंगे महंगे। ये तो हो गया कन्नौज असेंबली। फिर आता है प्रयाग असेंबली, क्या थी ये, 643-644 AD में हुई थी। ये क्या थी, एट प्रयाग, पहली चीज तो प्रयाग में हुई थी, प्रयाग कहाँ, यूपी में है, ठीक है।
हर्षा यूज टू सेलिब्रेट रिलीजियस फेस्टिवल्स एट द एंड ऑफ एवरी 5 years. हर 5 साल बाद कुछ धार्मिक जो त्यौहार है उन्हें हर्षवर्धन मनाया करता था. कहाँ पे? प्रयाग में, एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ गंगा, यमुना एंड सरस्वती. इसका मतलब है गंगा नदी, यमुना नदी और सरस्वती नदी के जो मिलन पॉइंट होता है, कॉन्फ्रेंस होता है, वहाँ पर मनाते थे. एंड इट इज सेड दैट दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ कुंभ फेयर. और ऐसा माना जाता है कि ये क्या था, ये बिगनिंग थी जो कुंभ मेला होता है उसकी. ठीक है, तो वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे और तो लाइक जरूर करना. एंड आगे चलने से पहले एक चीज और, आप मुझे चाहे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं. अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक पे क्लिक करें और आपके सामने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अपीयर हो जाएगा. वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. राइट, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ह्यूनसोंग. अब देखिए, कन्नौज असेंबली, प्रयाग असेंबली खत्म हो गया, अब ये नेक्स्ट पॉइंट है. अकॉर्डिंग टू ह्यूनसोंग, ह्यूनसोंग के अकॉर्डिंगली नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करें, इट वॉज मेंटेन्ड बाय द रेवेन्यू फ्रॉम 100 villages ग्रांटेड बाय हर्षवर्धन. हर्षवर्धन क्या करते थे, नालंदा यूनिवर्सिटी को मेंटेन करते थे. कैसे? 100 villages से जो भी रेवेन्यू आता था उससे, तो देखिए कितना खर्चा आता था उस टाइम एक यूनिवर्सिटी को मेंटेन करने में, है ना. एडमिनिस्ट्रेशन गुप्त एम्पायर का पढ़ा हमने, उससे भी ज्यादा डिसेंट्रलाइज हो गया था. डिसेंट्रलाइज आप समझते हैं, हर एक चीज की पावर अलग अलग इंसान के पास है. डिफेंस अलग है, मिलिट्री अलग है, आर्मी अलग है, खाने पीने का अलग है ना. इस तरह से सेंट्रलाइज क्या होता है कि किंग के पास सारी पावर है, कोई भी फाइनल डिसीजन होगा किंग से पूछ के होगा. ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन डिसेंट्रलाइज था हर्षवर्धन के टाइम में. ही डाइड इन 647 AD, 647 AD में इनकी डेथ हो गई थी. शशांक की डेथ कब हुई थी, 637 AD में, तो 10 साल पहले वो मर गए थे इनसे, है ना. नाउ नो हेयर HEIR, ठीक है, इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, कोई वंशज नहीं था कि आगे कौन संभालेगा गद्दी, है ना. असर्प्ट बाय अरुणाशवा, अरुणाशवा जो है इन्होंने इसे असर्प्ट कर लिया, मतलब हड़प लिया था. तो इसी के साथ हमारी जो हर्षवर्धन डायनेस्टी है वो हो गई कंप्लीट. आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. एंड फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपको एक चीज तो बहुत अच्छे से पता है कि क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे. प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट हैंडरिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके. चलिए, तो आज के लिए इतना ही. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. हमारा गुप्त एम्पायर, मौर्य सब कुछ खत्म हो गया. अब हमारे जो लास्ट में वो बचते हैं ना, राष्ट्रकूटास वगैरह, उनको हम कवर करेंगे. राइट, तो आप बस पेशेंस बना के रखें. एंशियंट हिस्ट्री हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, थोड़े से टॉपिक्स बचते हैं, उनमें से एक दो क्वेश्चंस बनते हैं एंड दैट्स इट. सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सो सी यू सून.